नमस्कार, मेरा नाम बिंदी सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोजपुरी रिमझिम। दोस्तों देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के बोलबम के गाने तो आए हैं, खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड से आया हुआ है और वो गाना आप सभी को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आ रहा है। भाड़ा से मजनुआ के भाड़ा से जो गाना का ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट बहुत फॉर्मेट्स आर इन ट्रेंडिंग नाउ एंड दिस सॉन्ग इज ट्रेंडिंग इन म्यूजिक सेक्शन। लेकिन इसके पहले आपको बता दें कि आपको एक फिल्म आई थी, आपको पता होगा रंग दे बसंती, जो इस सारे के म्यूजिक के बैनर तले बनी थी और सिनेमाघरों में अच्छा प्रदर्शन की है, ये कहा जा रहा है तमाम मीडिया खबरों के मुताबिक। इस फिल्म को लोगों ने भर भर कर प्यार दिया है और धकाधक जो हैं वो इस फिल्म के गाने भी रिलीज किए जा रहे हैं। इस कड़ी में खेसारी लाल यादव का इस फिल्म का एक और गाना आप सभी के बीच में आने वाला है। जी हाँ, वो गाना 20 तारीख को रिलीज किया जाएगा सुबह 6:30 पर एसआरके म्यूजिक यूट्यूब चैनल पर। मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर पोस्टर लगा देता हूँ। ये गाना है खेसारी लाल यादव का, जो कि रंग दे बसंती फिल्म का गाना है और गाने का नाम है पलंग टूटेला। पलंग सागवान के गाना बहुत बड़ा वायरल हुआ है और अब जो है गाना पलंग टूटेला रिलीज होने वाला है। अब देखना ये होगा कि पलंग वाला टाइटल का गाना खेसारी लाल यादव का ये लोगों को कितना ज़्यादा पसंद आता है। बड़ी बात यह है कि खेसारी लाल यादव करिश्मा कक्कर की आवाज़ में, यानी कि जो एल्बम में गाने गाए जाते हैं उसी अंदाज में इस गाना को भी गाया गया होगा। तो खेसारी लाल यादव और करिश्मा कक्कर की जोड़ी को लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया है, तो भाई गाना तो लाजमी होना है। इस गाने में वही जो अभिनेत्रियाँ नजर आई थी फिल्म में, वही फिल्म में इस गाने में भी नजर आ रही हैं। आपको पता होगा प्रोड्यूसर रोशन सिंह है, डायरेक्टर प्रेमांशु सिंह है, को प्रोड्यूसर शर्मिला आर सिंह है। इस गाने के लिरिक्स और म्यूजिक कृष्णा बेदर्दी का है, तो कृष्णा बेदर्दी का भाई लिरिक्स है, म्यूजिक है, तो फिर गाना तो कमाल का होना ही है। तो आप लोग तैयार रहिएगा, पलंग टूटेला एसआर के म्यूजिक यूट्यूब चैनल पर 20 जुलाई को 6:30 पर रिलीज किया जाएगा। तो एक अपडेट था, जो गाने अब नहीं आ रहे हैं तो फिल्म के गाने से ही काम चलाइए। तो मुझे लगा कि आप सभी को अपडेट दे ही देना चाहिए। बाकी इस अपडेट पर आपकी राय क्या है और इस गाने को लेकर आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हैं कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।